हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज आज है होली का व्रत, लेकिन आज थोड़ी तबीयत ढीली हो रही है मेरी भी, और मम्मी को भी बुखार हो गया है। मम्मी भी लेटी हुई हैं, मना कर रहे थे लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, मैं फास्ट रखूँगी। तो आज भी फास्ट है, मौसम चेंज हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा बीमारी तबीयत खराब हो ही रही है सभी की। मम्मी आ गई हैं, मेरी मम्मी बीमारी में भी अपनी पूजा पाठ पूरे नियम से करती हैं। नहा धोकर सुबह ही पूजा कर ली है, अब सूरज को जल चढ़ाना रह गया था तो बस वो भी बुखार में उठ कर आई हैं कि सूरज निकल आया है, जल चढ़ा दूँ मैं, नहीं तो सुबह 4 बजे ही पूजा कर लेती हैं। दवाई भी नहीं ले सकते हो ना? कथा के बाद ले लोगे शाम को ही? ये भी अच्छा, ये भी परेशान हो रहे हैं आज तो। ये कह रहे मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मम्मी ने व्रत रख रखा है, चाय नहीं पी सकती, पानी नहीं पी सकती, दवाई नहीं ले सकती, क्या करूं? हाँ, काली चाय तो पी लेना है ना, तो फिर ठीक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मम्मी तो अपना पूरा नियम से बैठ गई हैं पूजा करने के लिए सूरज देवता की, रोज करती हैं, चाहे बीमार हो कुछ भी हो, हमेशा करती हैं। तो वो अपना पूजा पाठ कर रही हैं, हम भी अपने डेली नियम के काम फटाफट फिनिश करते हैं, फिर दोपहर को कथा करेंगे। मम्मी को पूजा करने देते हैं और हम अपना चाय पानी नाश्ता और घर का काम जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, फिर दोपहर को मिलते हैं पूजा के समय। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हमारा खाना भी रेडी हो गया। मैं ये मक्का के आटे के पराठे बना रही हूँ, जिसमें आधा गेहूं का आटा है, आधा मक्के का आटा है, और इसमें मसाले मिक्स कर दिए हैं। जो जी चाहे वो मसाला मिक्स कर दो। मैंने अजवाइन, जीरा, लाल मिर्च, थोड़ा ऑरिगेनो, ये चीज़ें डाली हैं, और बाकी जो आप चाहो वो डाल सकते हैं। ये मक्के के आटे खाने पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। और साथ में बनाई है मैंने आलू की सब्ज़ी, मतलब मैंने नहीं बनाई, आज मेरे हस्बैंड बना कर गए हैं, क्योंकि आज हम चाकू को हाथ नहीं लगा सकते, आज हमारा होली का व्रत है। तो बस इसके पराठे करारे करारे बनते हैं। अब हमारा खाना भी रेडी हो चुका है, बच्चे बट अभी सो रहे हैं, जब वो उठेंगे वो कुछ खाएंगे तो उनके पसंद का बनेगा, बड़े तो यही खा रहे हैं फिलहाल। थोड़ा हल्की गैस पर सेक में आया है, गैस पर ये सीख गया करारा करारा, मैं देख कर आती हूँ। पापा खाना खा रहे हैं, खाने में देखने में बहुत टेस्टी लगता है ये। ओ रख दिया मैंने। बताइए दोस्तों, मैं कैसी लग रही हूँ? बस अभी बाल बनाने बाकी हैं और मैं रेडी हूँ पूजा के लिए। अच्छी लग रही है बिंदी। बाल बना लेते हैं। दोस्तों, ये जूड़ा मैंने वही आटे पर बनाया है, मैं इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट मैंने यहाँ से बस बाल ट्विस्ट किए हैं, थोड़े से बाल ऐसे राउंड राउंड करके पीछे लगा दिया है, फिर यहाँ से टू पार्ट्स में ऐसे राउंड राउंड करके लगा दिया है, वन पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट छोटे छोटे, पहले ऊपर से उठाए फिर नीचे से, और फिर मैंने पीछे ले जाकर इन्हें पिनअप कर दिया है, और फिर नीचे मैंने लो बन बनाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कैसा लगता है। आपको कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ होली आटे के लिए जब मैं रेडी हुई हूँ ये भी बताइएगा।
मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही है, इयररिंग्स, माला, मोतियागी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब हम पूजा करने जा रहे हैं, हमारी पूजा की तैयारी चल रही है। मैं सामान बस लगा रही हूँ, चौके लगा रही हूँ, फिर हम पूजा करने के लिए बैठेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पूजा प्रिपरेशन चल रही है, पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पता नहीं कैमरे में क्या हो गया, कभी लाइट कभी डार्क होता जा रहा है, बट डोंट माइंड, कोई बात नहीं, हम दिखाई तो दे ही रहे हैं। तो यहाँ मम्मी और मैं पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मैं थाली पर स्वास्तिक बना रही हूँ, मम्मी ज्योत की तैयारी कर रही हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, पूजा फिर स्टार्ट होने वाली है। बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चे आप भी आकर बैठ जाओ, लेकिन बच्चे अपनी मस्ती में मस्त हैं। उन्हें तो यह है कि आज उनकी पूजा हो रही है, वो बहुत खुश हो रहे हैं। वो अहोई माता का है, बच्चे तो कह रहे थे कि रोज़ अहोई माता का व्रत होना चाहिए, हमें डांट नहीं पड़ती, हमारी मनपसंद चीज़ें बनती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लिए व्रत रखा जाता है। तो बस यहाँ पर व्रत चल मतलब व्रत तो चल ही रहा है और पूजा भी हो रही है। मम्मी की तबीयत ख़राब है, लेकिन मम्मी फिर भी पूजा कर रही हैं और व्रत रखती हैं। मम्मी कुछ भी हो जाए, लेकिन जो करना है वो करना है। तो बस मम्मी थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, तो मम्मी आराम से आ गई। बस हमारी कथा हो गई है, अब हम ब्लैक टी पी रहे हैं। ये रही ब्लैक टी, मम्मी को भी दी है। मम्मी पीती नहीं है वैसे बिल्कुल भी चाय, लेकिन तबीयत ढीली है तो उन्हें लौंग, इलायची, तुलसी, अदरक वगैरह डालकर काढ़ा टाइप पी रहे हैं। मैं भी वही पी रही हूँ, तो मेरी नहीं भी है, अगर होगी भी तो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन अच्छी लग रही है। इसे पीकर थोड़ा सा सही हो जाएगा। नमक डाला तो तूने? तू क्यों खा रही है? मम्मी ने बोला, तू बोल रही है। तो अब पूजा प्रिपरेशन हो रही है, पूजा का खाना बन रहा है, इसके बाद हम पूजा करेंगे, क्योंकि तारे तो निकल गए होंगे, इसमें तारे जल्दी निकल जाते हैं, तो बस जल्दी से खाना बनाकर हम पूजा कर लेंगे। जुकाम हो गया मुझे आज। थोड़ा कम पड़ रहा है। हाँ वहाँ से ले आ, वहाँ रखी है, उसमें से डाल ले। तो जल्दी जल्दी हम खाना बना के फिर पूजा करते चलते हैं। मैं बना रही हूँ, ये उतार रही है बिटिया वाली, जल्दी जल्दी काम हो जाता है जब दो जने करते हैं तो फिर हम। और आप बताइए आपने क्या क्या बनाया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि तुरंत तो बता नहीं सकते हैं। मेरे यहाँ क्या बना है, मैंने बता दी क्या बनाया। मैंने बनाया है आलू, सॉरी आलू नहीं, सीताफल की सब्जी बनाई है, पूरी बनाई है और हलवा बनाया है, क्योंकि इसमें हमारी हलवा और पूरी का भोग लगता है, ठावड़ी होती है, फीकी पूरी बना रही हूँ मैं। पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही होगी नहीं जा रही होगी। अगर मेरी आवाज़ हल्की आ रही है तो इसके लिए सॉरी।
यहाँ दोस्तों हमारा पूजा का खाना तैयार है और मैं पूजा की थाली लेकर जा रही हूँ जो भोग है वही माता का, ये मैं लेकर जा रही हूँ। और ये मेरी बेटी मुझे शूट कर रही है, उधर मम्मी ने पूरी पूजा की तैयारी कर ली है। जो रात की होती है, दिन की तो हमने कथा कर ली थी, अभी रात वाली पूजा है जिसमें हम तारों को जल देते हैं और उनको भोग लगाते हैं। तो बस यहाँ मम्मी और मैं पूजा कर रहे हैं। देखिए मैंने सारा जो माता का भोग है वो लाकर रख दिया है, पूरी और हलवे का भोग लगता है इसमें हमारी माता को। माता सबके बच्चों को बनाए रखे और सभी बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही कामना है मेरी। जय अहोई माता की। हे माता रानी, सबकी मनोकामना पूरी करना और सभी बच्चों को ही रक्षा करना, उन्हें सही राह दिखाना, उन्हें सही रास्ते पर लाना। बस हम मैं और मम्मी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। ये पूजा मम्मी करती हैं, मैं बस मम्मी का साथ देती हूँ। जो जो मम्मी मुझे जैसे जैसे बताती जाती हैं बस मैं वैसे ही करती चली जाती हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छी से अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाकर आपको एंटरटेन करूं, तो बताइए। तो बस यहाँ हम पूजा कर रहे हैं, मैंने पूजा की थाली लगा ली है, मम्मी पूजा कर रही हैं। यहाँ हमारी पूजा होने वाली है कंप्लीट। तो बस हमारी पूजा हो गई कंप्लीट। अब हम यहाँ से उठेंगे और तारों को पानी देंगे, मम्मी का आशीर्वाद लेंगे। बस मैं और मम्मी अब बालकनी में जाएंगे, तारों को देखकर उन्हें भोग लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे और फिर हम दोनों अपना व्रत खोलेंगे। पहले मम्मी पूजा कर रही हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मम्मी ने साड़ी उतार कर गाउन पहन लिया था। तो बस मम्मी अब जल चढ़ा रही हैं, फिर पूजा करेंगी। मैं भी खड़ी हूँ, मैं भी आ गई मम्मी के बगल। मैं कर रही, मम्मी कह रही हैं अब ले तू कर ले। बस मम्मी रहती हैं, हमारी बालकनी इतनी अच्छी है, चांद भी यहाँ से आराम से दिख जाता है। नहीं तो बाकी औरतें जो हैं सब टेरिस पर जाती हैं करवा चौथ का चांद देखने के लिए, बट मैं और मम्मी बालकनी से ही देख लेते हैं।
अब हम दोनों की पूजा कंप्लीट हो गई है। मम्मी बच्चों को बुला रही हैं कि बच्चे भी आ जाओ, तुम्हारी आरती उतार देंगे। तो मम्मी, मैं बच्चों को बुलाने के लिए गई हुई हूँ। बस आ गए हम बच्चे। बच्चों के पहले पापा आए हैं, पहले पापा की आरती होगी, फिर ये भी आ गया बंदर। दोनों की आरती हो रही है, मम्मी का आशीर्वाद ले रहे हैं, मेरा भी।